तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कितनी अच्छी हमारी तिल और गुड़ की चिक्की बनकर तैयार हुई है। नमस्कार, मैं शशि शर्मा, शशि शर्मा वेजिटेरियन किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ मैंने 250 ग्राम तिल लिए हैं, उसे मैंने पैन में डाल लिया है। इसमें मैंने घी नहीं डाला है और लो फ्लेम पर ही हमें इसे भूनना है। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और तिल चटकने लगेंगे, तब तक ही हमें इसे भूनना है। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे तिल को भूनते हुए लगभग 4-5 मिनट हो गए हैं और तिल हमारे भून भी गए हैं। इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है और साथ में ही ये चटकने भी लगे हैं। तो हम गैस को कर देते हैं बंद। और तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने तिल को जो है वो प्लेट में निकाल लिया है और ये अच्छे से भुनकर तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम गुड़। 250 ग्राम तिल के लिए 250 ग्राम गुड़ ही लेना है हमें। और ये देखिए, ये एकदम देसी गुड़ है और ये खाने में टेस्टी होता है। इसमें खुशबू भी अच्छी आती है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। तो हमें इसी गुड़ का से बर्फ़ी बनानी है, जो तिल की बर्फ़ी बना रहे हैं या बोले तो गुड़ की और तिल की चिक्की बना रहे हैं, तो इसी गुड़ का इस्तेमाल करना है। यहाँ मैंने इसको छोटे छोटे पीसेज में कर लिया है ताकि ये जल्दी से इसकी चाशनी तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गैस को कर दिया है ऑन और पैन पे को चढ़ा और पैन को मैंने इस पर चढ़ा दिया है। अब हम इसमें डाल लेंगे आधी चम्मच घी। तो यहाँ पर मैंने आधी चम्मच घी डाल लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे गुड़ और साथ में ही डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच पानी। तो चलिए, ये घी पिघलता है तो इसके साथ में ही मैं यहाँ डाल देती हूँ गुड़ भी। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पैन में डाल दिया है गुड़ को और अब हम इसे चला लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा गुड़ पिघलने लगा है, ये देखिए। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच पानी। पानी यहाँ पर हमने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि हमें जो इसकी चाशनी बनानी है वो तले से चिपके नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसमें पानी डाला है। तो इस तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम को रखा है लो टू मीडियम और ये देखिए, ये गुड़ हमारा पिघलने भी लगा है। आप चाहें तो इसमें से आधे तिल आप तो पीस करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ साबुत तिल ही ले रही हूँ। ये देखिए, अच्छे से हमारा गुड़ पिघलने लगा है। फ्रेंड, यहाँ पर हमारा आधा गुड़ हमारा यहाँ पर चाशनी में कन्वर्ट हो गया है और ये अच्छा खासा फूलने लगा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गुड़ की चिक्की, गुड़ और तिल्ली की चिक्की जमाने के लिए मैंने यहाँ पर थाली पर घी ग्रीस कर दिया है और ये देखिए, हमारा गुड़ अच्छे से पिघल गया है। तो अभी हम इसको 1-2 मिनट और पकाएंगे, इसका अच्छे से कलर चेंज हो जाएगा। गैस को मैंने लो टू मीडियम ही रखा है। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी चाशनी लगभग तैयार हो गई है। तो अभी मैं इसको एक पानी में डालकर एक बूंद देख लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर इसकी बॉल बनने लगी है और मैं आपको बताती हूँ कि हमको किस स्टेज तक इसको पकानी है। ये देखिए, मैंने इसमें यहाँ पर प्लेट में डाला तो इसमें से आवाज़ आने लगी है, तो इसका मतलब हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर डाला है और साथ में ही मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच यहाँ पर बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर मैंने सोडे को भी मिक्स कर दिया और सोडे को डालते ही ये देखिए, हमारी चाशनी कितनी सुंदर लगने लगी है, एकदम वाइट हो गई है और कितनी फ्लैपी भी हो गई है। तो यहाँ पर फ्लैपी होने के बाद और पकने के बाद में मैंने यहाँ डाल दिए हैं तिल जो हमने लिए हुए थे। तो इसको, तिल को अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारे तिल अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब मैं इसको डाल लूँगी थाली में जिसमें हमने घी लगा करके रखा था। तो यहाँ पर मैं थाली में इसको पलट लेती हूँ। ये देखिए, बड़ी सावधानी से इसको पलटना है। फ्रेंड्स, मैंने चम्मच के पीछे भी घी लगा लिया है और इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको ठरका देंगे जिससे कि ये एक सा इक्वल हो जाएगा और इस पे घी लगाने से इसमें एक अच्छी सी शाइनिंग भी आ जाएगी। हाँ तो फ्रेंड्स, मेरी यहाँ पर गुड़ और तिल्ली की चिक्की बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, एक एक पीस अलग हो गए हैं। तो देखिए ये कितनी सॉफ्ट बनी है, ये देखिए छोटी थी, ये देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स आप, हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको तो निकाल लिया था, अब हम चक्कू की मदद से इसको अलग कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छे से बनकर तैयार हुई है और खुद ही अलग हो रही है।
ये देखिए कितनी शानदार बनी है और खाने में इतनी टेस्टी है। मैंने इसको टेस्ट कर लिया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है। हाँ तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको प्लेट पर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको तिल और गुड़ चिक्की की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, ये एकदम सॉफ्ट बनकर रेडी हुई है। ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बना है। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो पर बने रहने के लिए।